Welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Today is a review video and this is by Himalaya Herbals Gentle Exfoliating Walnut Scrub. Iska main review karne wali hu aaj. So if you are trying to purchase it or if you are planning to purchase it, so please stop by and just pick out the video. Okay. So yeah, let's get started. So sabse pehle aap iska packaging dekh lo. Ye tube form mein hai, which is a great. वेरी कन्वीनियंट टू यूज क्योंकि ट्यूब फॉर्म में प्रोडक्ट जब आती है तो बहुत ज़्यादा ईजी टू अप्लाई हो जाती है, इज़न्ट इट? क्योंकि आपको बार बार यू ना अपने हैंड्स डालना नहीं होता है प्रोडक्ट में. सो दिस इज़ वेरी हाइजेनिक ऑल्सो, क्योंकि आप फिंगर्स डालोगे, कभी कभी हमारा फिंगर्स यू ना क्लीन नहीं होते एंड आप हाथ धो भी लो तो थोड़ा बहुत पानी भी रहता है तो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा यू ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है. सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्किन. सो this type of tube products are really safe, very hygienic. So you can see here yahan par likha hua hai gentle exfoliating walnut scrub with natural antioxidants and yahan par hai walnut plus apple, removes dead skin cells and blackheads, helps stimulate cell renewal. Okay. सो हाँ, ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे से आपकी यू नो डेड सेल्स को रिमूव कर देती है. आई हैव फील इट एंड मैंने इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है एंड अब जाकर मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ. जैसे कि आपको पता है, सो ये जो करता है ये काम, ये अच्छे से जेंटली, बहुत ही जेंटली आपके स्किन के ऊपर डेड सेल्स की लेयर होती है वो हट जाती है एंड यू विल फील सो फ्रेश एंड रिजुविनेटेड आफ्टर यूजिंग दिस स्क्रब. So if you have any blackheads or whiteheads, especially on the nose area we have, so if you have oily or combination skin, definitely you have this problem. So aap definitely is scrubs ke saath you know gently exfoliate kar paoge agar aap acha scrub dhoond rahe ho, wo bhi herbals and wo bhi affordable range mein, you can go for it. अब इसकी क्वांटिटी जो है वो 100 ग्राम में आती है, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी है एंड द प्राइस इज़ 130 रुपीज़. इसमें साइजेस अवेलेबल है, आई होप आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो. मैंने नायका से परचेस किया था सो आई हैव गॉट अ ह्यूज डिस्काउंट. सो या इसमें डेट वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको यू नो इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मिल जाएगा एंड यूज़ इट ओनली वंस इन अ वीक, क्योंकि स्क्रब जो होता है वो वंस इन अ वीक ही करना बहुत ज़रूरी होता है. इससे ज़्यादा आप ना करें, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है स्किन एंड बहुत जेंटल हैंड्स में करें. मेक श्योर आपके स्किन पहले गीला हो, लाइक यू हैव टू वेट योर फेस फर्स्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस स्क्रब. मेक श्योर दैट एंड यहाँ पर लिखा है यूज 2 to 3 times अ वीक, बट पर्सनली आई हैव टोल्ड यू यूज इट फॉर ओनली वंस इन अ वीक. ओके. एंड यहाँ पर सब कुछ की इन्ग्रीडियंट्स है वॉलनट शेल, ग्रैन्यूल्स, एप्पल, व्हीट जम ऑयल, विच आर रियली गुड फॉर आर स्किन. बट द ओनली नेगेटिव पॉइंट्स फॉर दिस इज यहाँ पर पैराबेन है दोस्तों. सो इफ यू आर नॉट अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू यूज अ पैराबेन प्रोडक्ट, सो दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट फॉर यू, डोंट परचेज इट. बट इफ यू आर ओके विथ इट, डेफिनेटली गो फॉर इट. ओके. सो इसका जो पैकेजिंग है वो अच्छा है एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रैवल फ्रेंडली. ये मैंने बताना भूल गई थी मैं ये पॉइंट. सो आप देख सकते हो इसका साउंड, बट इसमें थोड़ा सा यू ना लूज टाइप का आप देख सकते हो. दिस इज़ लिटिल बिट लूज, बट या अगेन दिस इज़ सिक्योर्ड एंड आपको इसको पहले हाथ, मैंने आपको हाथ में दिखाना है, आई विल शो यू ऑन माई हैंड. यहाँ पर थोड़ा बहुत यू ना मेकअप है क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो शूट किया है हिमालय हर्बल्स का क्लिंजिंग मिल्क का, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से क्लीन नहीं किया है क्योंकि मुझे ये वाला वीडियो आपको दिखाना था कि यू नो स्क्रब से कैसा क्लीन होता है एंड ऑल. सो सबसे पहले हम इसको वेट करेंगे, गीला कर लेंगे फेस को. आप फेस को करिए गीला. सो डियर, मैंने फेस हैंड्स को गीला कर दिया है. आई हैव वेट माई हैंड एंड आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत क्रीमी टाइप की कंसिस्टेंसी है एंड या ये लिटिल बिट क्रीमी टाइप की है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका यू नो एक्ने प्रोन स्किन है. बट इफ़ यू हैव वेरी हार्श पिंपल्स, बहुत बड़े बड़े पिंपल्स हैं आपके फेस पर, अवॉइड दिस.
बिकॉज कोई भी स्क्रबिंग आपके लिए सूटेबल नहीं होगी. सो इस तरीके से आप स्क्रबिंग कर सकते हो. मैं यहाँ पर जोरों से कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा हैंड है, बट फेस में आप जेंटली करो. एक से दो मिनट तक कर सकते हो, उससे ज़्यादा ना करें आप. और ज़रूरत हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी ले सकते हो, ठीक है. एंड आई एरिया को यू नो स्किप कर दो, लिप्स पर ज़रूर करना. या नाउ वी विल वॉश द फेस एंड आई विल वॉश माई हैंड. दोस्तों ये मैंने वॉश कर लिया हैंड्स को, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्क्रब है, दिस इज़ नॉट अ मेकअप रिमूवर. तो ये मेकअप जो है वो थोड़ा थोड़ा है अभी इसमें, बट जस्ट लुक एट द स्किन, ये बहुत ज़्यादा यू नो फ्रेश लग रही है. द स्किन इज आई एम फीलिंग द फ्रेशनेस. सो डेफिनेटली आप जब इससे स्क्रब करोगे अपने फेस को तो यू विल फील द फ्रेशनेस. ओके, आपका स्किन ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है इसको यूज करने के बाद. एंड डिफरेंस देख लो आप हैंड्स में, ये बहुत ही डल लग रहा है. एंड दिस इज फीलिंग सो फ्रेश, दिस इज लुकिंग ऑल्सो रेडियंट. सो या, एंड इसकी जो ग्रैन्यूल्स है बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है. मीडियम ग्रैन्यूल्स है, सो यू कैन डेफिनेटली फील द डिफरेंस. ओके, सो या ये थी हिमालय हर्बल्स की वॉलनट स्क्रब की रिव्यू. आई होप ये आज की वीडियो जो है वो आपको यू नो कामयाब हो गई है मेरी काम. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो टू लाइक कमेंट्स एंड शेयर. शेयर कर दो दोस्तों सबके साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर रिश्तेदार फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर दो. एंड या मेरे तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करो. एंड ये हर जगह अवेलेबल है, सुपर मार्केट्स, लोकल मार्केट्स, ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है. तो या दैट वाज फॉर टुडे फ्रेंड्स, बाय बाय.